नमस्कार, जय नारायण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। भू माफियाओं के खिलाफ बाक्यू टिकट ने खोला मोर्चा। भू माफियाओं के खिलाफ मातृभूमि सिटी गंगागंज सलीमपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पर सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। किसानों की प्रमुख मांगे ग्राम पंचायत एवं किसानों की भूमि पर भू माफिया द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण, कब्जों का हटवाने एवं सीलिंग भूमि की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने एवं अन्य क्षेत्र समस्याओं के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। रसूलपुर निवासी महिला किसान रामरति की आदमपुर नौबस्ता स्थित भूमि घाटा संख्या 623 पर गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित महिला किसान लगातार अपनी शिकायतें दे रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरने पर पहुंचे तहसीलदार मोहन लाल गंज ने किसानों को आश्वासन दिया है, बिंदुवार सभी समस्याओं का निवारण एक सप्ताह के अंदर किया जाएगा। सोनू वर्मा, समाचार। अनिश्चितकालीन धरने की रूपरेखा बनाई थी जी, लेकिन प्रशासन कुछ काम करके दिखा। सुबह से ही जो हमारी बंजर चरागाह की जमीन थी, उस पर JCB चलवा के उसको चिन्हन किया है, और भी जमीनों पर एक हफ्ते का समय लिया है, तो हमने 3 दिन और बढ़ा करके 15 दिन का समय दे दिया है कि 15 दिन के अंदर हमें ये लगना चाहिए यहाँ के लोगों को कि हमारा काम प्रशासन ने किया है। इसलिए 15 तारीख तक की ये धरना, खेती का काम जोरों पर है, किसान के पास इस समय धान रोपाई मिलता भी बाकी है किसी, तो ये सब काम चल रहा है। ऐसे में 15 तारीख तक की पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर 15 तक हमें हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए तो इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिंदुवार समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, एक एक बिंदु पर समाधान में चाहिए, अगर समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष जाएंगे। आपका दिल्ली में भी कार्यक्रम चल रहा है लंबे समय से, और अभी तक उस पर यहाँ के लोगों की क्या तैयारी है उस आंदोलन में सहभागी बनने के लिए? दिल्ली जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, करोल बॉर्डर, ये सभी बॉर्डरों को हम दिल्ली जाना चाह रहे थे। संसद से जो हमारा एक कानून पास हुआ है खेती पे, 3 कानून काले कानून पास हुए हैं, वो बिना किसान के परामर्श के ऐसे अपने मनमाने ढंग से बनियों और बिचौलियों के मन मुताबिक किसानों पे कानून रोकने के लिए संसद ने पास कर दिया। उन किसानों का विरोध करने के लिए हम लोग संसद जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए। दिल्ली, हम बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं, हम दिल्ली जा रहे थे बॉर्डर पे रोका गया हमें, जिससे हम बॉर्डर पर वहीं अपने टेंट लगा करके कि या तो हमको दिल्ली जाने दो, हम जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमारा संकल्प है। MSP पे गारंटी और 3 काले कानून वापसी, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये किसान, इधर पूरब में ट्रेनें नहीं चल रही थी, कोरोना से प्रभावित होकर के ट्रेनें नहीं चल रही थी, लोगों को जाने में काफ़ी किराया खर्चा करना पड़ता है, फिर भी हमको प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल मंडल प्रभारी लखनऊ बनाया गया है, और इसीलिए सभी मंडलों में प्रभारी बना दिए गए हैं कि अपने मंडलों को देख करके कि जनपद से एक रूटीन में हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जाते रहें और कार्यकर्ता आते जाते क्रमवार रहें। जब तक कि ये कानून वापस नहीं है तब तक घर वापस नहीं।